हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैंने कर लिया पूजा, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मुझे मेकअप के लिए कहीं निकलना है। तो बस मैं बनाने जा रही थी नाश्ता। तो आज नाश्ते में मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और जल्दी से बनाते हैं और निकलते हैं फिर। तो पास्ता मैंने कर लिया है बॉयल। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पास्ता, तो इसको मैंने कर लिया है बॉयल। बना रहे हैं ये चाय। हाँ जी, सुबह सुबह खा दिया मैंने आज तो। तो काम है तो उठाओगे नहीं। हाँ, तो बस इनकी बन रही है चाय। बन रहा है मेरा प्याज और टमाटर पास्ता के लिए। आ चुका है हमारा नाश्ता, बन गया मेरा पास्ता। पहुंच चुकी हूँ मैं सलून में और मेरी ड्रेस की कुछ इस टाइप की है। और अभी नीलम का भी दिखाती हूँ, इधर काजल भी आ गई, हमारे साथ जाएगी आज। तो आज हम करने वाले हैं मेकअप। बस अभी अपना थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लें, लोगों का मेकअप करने से पहले पहले खुद का भी मेकअप कर लेते हैं। बालों का हाल देख सकते हैं हम, क्योंकि वॉश करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करा था। तो अभी हल्की हल्की शाइनिंग कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग। हो चुकी हूँ रेडी भी और अब निकलेंगे। नीलम भी हो चुकी है रेडी, बेचारी काम कर करके अब खा रही है पास्ता। मैं लाई हूँ इसलिए खा रही हूँ, नहीं तो नहीं खाती। मैं लाई हूँ ना, मैंने प्यार से बनाया है। मैं हमेशा जब भी हमें कहीं जाना होता है या सुबह की बुकिंग होती है, मैं पास्ता बनाती हूँ ना। निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी, और ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है। यहाँ पे है हमारा मेकअप। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी लग रही है ना नीलम, और ये कितनी अच्छी लग रही हैं ये सब। लोग पहुँच चुके हैं अंदर, बंद चुके हैं हमारे हाथों में बैंड और अभी बस बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग टाइम से आ गए हैं, है ना। अभी आ रहे हैं लोग, एंट्री हो रही है, उसके बाद देखते हैं हमें कहाँ करना है मेकअप। अभी थी हमारी एंट्री, यहाँ पे बैंड बंधा था और ये है पूरी लोकेशन। और बाकी मैं अभी पास जाके दिखाती हूँ, उधर है स्टेज। तो आज मैं इनका भी मेकअप करने वाली हूँ फिर से। यहाँ पे क्रिएट जिस मोमेंट का आप सभी को है बेसब्री से इंतजार, एंड फाइनली द वेट इज ओवर एंड मैं ऑलमोस्ट सोफा भर जाते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा। ये रही हमारी, अभी मैं आधी पूरी हूं। ये है स्टाइलिंग होने वाली है। कैसा स्टाइल आप बनाएंगी मैम? कुछ मैम को यूनिफॉर्म में चाहिए तो वही स्टाइल बनाऊंगी मैं। तो मैम आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं फिर वही बोलना चाहूंगी जो भी है वो पूजा के हाथ में है। फिर से हाँ, फिर से वही बात जो है वो पूजा के हाथ में है। मैं ऑलमोस्ट डन हो चुकी हूँ। बताइए, खुद से ही ज्वेलरी पहननी पड़ रही है? खुद से देखो, ऐसे मिलेगी मॉडल जो खुद से ही ज्वेलरी पहन रही है। तो लास्ट टच बस मैम का देना है। शूट हो रहा है, ये देखिए कैसा लग रहा है लुक? लुक कैसा है? लुक कैसा लग रहा है? तो लगता है फर्स्ट आना ही है आपको आज, है ना? नीलम मेकअप कर रही है यहाँ पे। मैम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो इनके लिए नीलम की तो कोई आवाज आएगी नहीं, क्योंकि दूर से बोल रही है। तो चीफ गेस्ट आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। कर दिया है ब्राइडल को रेडी और आप लोग देख सकते हैं।
तो जैसा कि आज है ब्राइडल मेकअप कंपटीशन एंड अवार्ड सीजन 1.0, तो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं पूजा जी यहाँ पे, और ये हमारी मॉडल। तो कैसा है लुक कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या लगता है कि क्या लगता है वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। वैसे तो मेरे को तो लग रहा है आप ही जीतोगे। देखो वो तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी जजेस के ऊपर डिपेंड करता है। सबने यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग देखा है, सबने कहा कि जो जजेस हैं अभी तो वहाँ नहीं बैठे हैं, तो वो भी सब तारीफ कर रहे हैं। वहाँ बैठने के बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मैम को फर्स्ट नंबर है, मैम अभी तक रेडी नहीं हुई, मेरा वेट कर रहे थे इसलिए टाइम लग रहा है। तो मतलब आपसे ही करवाने में का। क्या बात है, डिमांड आपकी बढ़ गई है यहाँ पे। तो मैम का भी मेकअप कंप्लीट हो गया है, ये रहा मैम का लुक। कैसा लगा मैम मेकअप? बस अब ब्राइडल का भी इनविटेशन आ गया, बुला रहे हैं स्टेज पे जाने के लिए, और उसके बाद बस फाइनल टच अब दे रहे हैं लास्ट का।
Congratulations. Congratulations. All right. तालियां तो बंदी है बॉस. ये लीजिए. आ चुकी हूँ मैं घर पे सुबह की थकी हारी, पर वो थकान भी आज थकान नहीं लग रही है क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ एक तो ये ट्रॉफी और कंपटीशन भी. मैंने तीन लोगों का मेकअप करा था जिसमें से कि दो लोग जीत चुके हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मेरे ही दोनों लोग जीते तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. और ये हैम्पर भी मिला और मुझे कैश भी मिला है और ये भी मिला है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. और घर आई, मौसी जी लोग आए हुए हैं तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई. मैंने सबका आशीर्वाद लिया, सबने आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लग रहा है मौसी जी? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार है अपनी बहू का ऐसे देखकर, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है. दीदी आप जो चाहते हैं आज हमारे सामने बहुत इतना अच्छा. दीदी तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हम सामने देख रहे हैं का ट्रॉफी कैसा है तो मुझे बहुत ज्यादा इसलिए खुशी हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए ये, और मैं थोड़ा सा डरी हुई थी और मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता था. मुझे परसों ही उन्होंने बोला और मैंने कल में तैयारी करके आज मैंने करा और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और वहाँ इतना अच्छा सब कुछ रहा तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई. आप अपना बताओ कि आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा ना? बहुत. आप जीत गए, बस उसी में मेरी जीत है. और क्या शिवम भैया आपको कैसा लगा? चलो शिवम भैया को लो. शिवम बोलो. ये है हमारी शर्मीली. ये हमारे शर्मीले देवर है जो. तो गाइज इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा क्योंकि अब इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहे हैं. जिसको मेकअप कराना है मुझसे तो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है इंस्टा आईडी पे भी, तो नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा. इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, आईडी मैं मेंशन कर रहा हूँ इसमें इसी ब्लॉग में, जो कि मेकअप मैजिक बाई पूजा के नाम से है. कि मेरा मेकअप कैसा लगा वीडियोस आप लोगों को दिख जाएंगी और सब कुछ दिख जाएगा इसमें कि हाँ मैं जीती हूँ. कहीं ऐसा आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं जीती हूँ तो वो वीडियोस में ही दिख जाएगा. और आप लोगों को मेकअप कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.